तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर बिना ओटीपी के पास की लॉक लगाने का तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोग आसानी से अपने व्हाट्सएप पर बिना ओटीपी के ही पास की लॉक लगा सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी अपने व्हाट्सएप पर बिना ओटीपी के पास की लॉक लगाने के लिए, इस तरफ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर ले। तो चलिए व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप लोग यहां पर ऊपर की ओर राइट साइड में नजर आ रहे थ्री डॉट पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलकर आने के बाद यहां पर बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर नजर आ रहे टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर नीचे की ओर नजर आ रहे टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर 6 अंकों का यहां पर पिन डालें। तो आप जो भी लॉक लगाना चाहते हैं उस पिन को यहाँ पर 6 अंकों का पिन डाल दे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ अपने हिसाब से। तो आप लोग भी अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लें। एक बार डालने के बाद दोबारा वही पिन डालें कंफर्म करने के लिए। तो चलिए डाल देते हैं। डालने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे की ओर नजर आ रहे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर नीचे की ओर नजर आ रहे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद स्क्रीन के बीचों बीच विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर नीचे की ओर राइट साइड में नजर आ रहे स्किप ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लॉक लग चुका है। तो दोस्तों चलिए वापस चलते हैं और ओपन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पास की लॉक लग चुका है। तो दोस्तों इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी अपने व्हाट्सएप पर बिना ओटीपी के पास की लॉक लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।